जेल एवं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भोपाल सेंट्रल जेल का भ्रमण कर कैदियों का हालचाल जाना। उन्होंने कहा कि जेल की बंदी भी उनके परिजनों की तरह ही हैं। कोरोना के संकट घड़ी में उनकी चिंता करना हमारा दायित्व है, इसलिए आज जेल का भ्रमण कर उनका हालचाल जाना है। सभी आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि बंदियों के परिजनों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जेल प्रशासन सभी आवश्यक सुविधाएं मुहैया करा रहा है और किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। संक्रमण का कोरोना का काल है, ऐसी परिस्थिति में अभिभाषक तो आ नहीं सकते। अब डीजी साहब ने हमें उस भूमिका में परिवार के सदस्य की उनके हालचाल जानने के लिए आज जेल में आए थे। हमारी जेलों में नियमित ताला दिया जा रहा है। मास्क की सुविधा है, वैसे तो पूरे प्रदेश में पिछले कोरोना के टाइम में हमारी जेलों से ही मास्क की पूर्ति हुई थी। अभी भी हमारे जेल जो मदद हो सकती है हमारे कैदी भाइयों के द्वारा मास्क बनाने की, सैनिटाइजर की और वहाँ पर बाकी की चीज़ें आज देखने में आए, भोजन व्यवस्था वगैरह। पेरोल पर भी आपने छोड़ा है 60 दिवस की पेरोल, 4,500 कैदी प्रथम चरण में उससे लाभान्वित होंगे और उसके बाद में जैसे जैसे डीजी साहब के पास में कलेक्टर वगैरह ज़्यादा और अनुसूचित किए जाएंगे तो उनको और भी किया जाएगा। ध्यान शिविर यहाँ पर पूरा का पूरा सभी जेलों में, यहाँ का नहीं सभी जेलों में, अभी जो मुख्यमंत्री जी ने प्रारंभ किया तो रोग रखे निरोग अभियान भी प्रारंभ किया है, उसको भी जेलों में सभी जेलों में प्रारंभ किया। भोपाल से EMS TV के लिए वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र मालिक के साथ हेमंत मालिक की रिपोर्ट।